जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को बीटा कंपटीटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। आज आपकी करेंट अफेयर्स क्लासेज में 24 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है वैसे सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में देखेंगे। तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से क्लास को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप जो है वो क्लास को समय से फॉलो करें और ध्यान से फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, ध्यान से क्लास को फॉलो करें, और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। और आइए सीधे आज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ किस शहर में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने का ऐलान किया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरा था और इसी दौरा के दौरान जो है वो इन्हीं के समकक्ष ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ जो है वो किस शहर में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने का ऐलान किया है। तो एक नंबर ऑप्शन है पर्थ, सेकेंड है ब्रिस्बेन, नेक्स्ट है सिडनी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है वो और उन्हीं के समकक्ष जो एंथनी अल्बनीज थे दोनों लोग मिलकर ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने का ऐलान किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सिडनी। सिडनी में ऐसा करने का ऐलान जो है वो किया गया, सिडनी में स्थित है हैरिस पार्क और इसी का नाम जो है वो अब लिटिल इंडिया होगा, लिटिल इंडिया के नाम से इसे जाना जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा था और इसी दौरा के दौरान जो है इन्होंने ऐसा किया। इसके साथ साथ जो है वो ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, इसका भी घोषणा किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व की बात है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में INS सिंधु रत्न पनडुब्बी किस देश की यात्रा करके 97 दिन बाद मुंबई पहुंची। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि INS सिंधु रत्न पनडुब्बी है ये किस देश की यात्रा करके 97 डेज बाद जो है मुंबई पहुँची है। एक नंबर ऑप्शन है चीन, बी नंबर ऑप्शन है अमेरिका, सी रूस और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखेंगे कि INS सिंधु रत्न अभी हाल ही में जो है वो 97 दिन की यात्रा करके जो है वो रसिया से मुंबई पहुंची, ध्यान रखना है। इस दौरान लगभग जो है वो 10,000 मील की समुद्री यात्रा ये सिंधु रत्न किया और ख़ासकर जो है ये रूस में मरम्मत के लिए गया था और मरम्मत होकर इसका आया है। अगर हम INS सिंधु रत्न की बात करें तो यह सिंधु श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे जो है वो 1988 ईस्वी में कमीशन किया गया था, ध्यान रखेंगे 1988 में इसे कमीशन किया गया था, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो INS सिंधु रत्न को कब कमीशन किया गया था, तो 1988 में इसे कमीशन किया गया था, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। एक नंबर ऑप्शन है केरल, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड असम और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे कि अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। और यह जो है वो कबड्डी गेम के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसके उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के
मंत्री ब्रिजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो ध्यान रखेंगे इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है, तो त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, आप लोग आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी है सौरभ गांगुली, सी राहुल द्रविड़ और डी है वीरेंद्र सहवाग। तो त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने अभी हाल ही में जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखेंगे, सौरभ गांगुली को चुना गया है, ध्यान रखना है। सौरभ गांगुली को राज्य का एक सफल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। वर्तमान में अगर हम बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री है। वही राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं यहाँ के, ध्यान रखना है। सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनिक साहा हैं। तो आप ये सारे पॉइंट ध्यान रखने, जो भी पॉइंट हम बोलते हैं वो सारा पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग ध्यान से फॉलो करें और संघर्ष करें। कहा जाता है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उससे कई गुना शानदार होगी। सफलता किसी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, अपने बुरे वक्त को ही अपना सफलता का हथियार बना लो मेरे दोस्त, बुलंदियाँ तेरे कदम न चूमे तो कहना। तो संघर्ष जितना कठिन होगा, समझिए कि उससे कई गुना शानदार आपको जीत मिलेगी, इसलिए आप संघर्ष करें। जीतना तो सुनिश्चित है, लेकिन संघर्ष से अगर आप डर कर मैदान को छोड़ देते हैं तो आप फिर जो है फतह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप टिके रहें और ध्यान से जो है बने रहें। देखिएगा, ईमानदारी पूर्वक आप अगर जो है अपने समय के महत्व को समझ गए तो आप एक दिन सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप सभी लाइन को फॉलो करेंगे और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अभी हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। एक नंबर ऑप्शन है नामदेव सिरगावकर, नेक्स्ट है अजय रामचंद्रन, नेक्स्ट है रमेश महान और नेक्स्ट है वीना अरोरा। तो ध्यान रखेंगे कि अभी ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामदेव सिरगावकर को चुना गया है, ध्यान रखेंगे। वही आपका जो है वो वीना अरोरा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। तो ये उपाध्यक्ष हैं और ये इसके अध्यक्ष हैं, आप दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में नितेश पांडे का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो अभी जो है वो हाल ही में नितेश पांडे का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रहे, एक नंबर ऑप्शन है साहित्य, बी है फिल्म, सी राजनीति और डी इनमें से कोई नहीं। तो नितेश पांडे का निधन हो गया और इनका संबंध फिल्म से, ध्यान रखेंगे, फिल्मी दुनिया से इनका संबंध था। और यह जो है अनुपमा में काम कर, जो सीरियल आता था अनुपमा, उसमें भी काम किए। इसके अलावा ओम शांति ओम में भी ये शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं नितेश पांडे। तो आप ध्यान रखेंगे 51 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से एक रिकॉर्ड आपको आईपीएल में देखने के लिए मिला। 14वां संस्करण है आईपीएल का और इसमें 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम बनी फाइनल में। एक नंबर ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, बी गुजरात, सी चेन्नई सुपर किंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो लगभग सभी लोग का सही होगा, क्योंकि अभी आप सभी पढ़ाई छोड़कर आईपीएल में ही बीती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम बनी चेन्नई सुपर किंग, ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार फाइनल में पहुंचने का इतिहास जो है वो चेन्नई सुपर किंग ने बनाया। तो गुजरात को हरा कर जो है वो 10वीं बार फाइनल में पहुँचा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहा राजदंड सेंगोल, भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है।
इसका इतिहास किस वंश से है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को। अभी काफ़ी चर्चा में है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, और इसके लेकर जो है वो विपक्ष से काफ़ी क्वेश्चन सवाल यानी क्वेश्चन उठा रहे हैं। और इसी दौरान जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, एक महत्वपूर्ण शब्द सुनने के लिए आया, राजदंड सिंगोल, जो कि भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। तो ध्यान रखेंगे कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन है, और इसी बीच अचानक जो है राजदंड सिंगोल नाम सामने आया, और इसके लेकर जो है काफ़ी चर्चा शुरू हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे कि ये राजदंड सिंगोल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ इसका इतिहास रहा है। अगर हम बात करें तो जब अंग्रेज भारत की आज़ादी का ऐलान किए थे, तो उस समय जो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर जो है वो सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखेंगे, सत्ता हस्तांतरण यानी कि अंग्रेज सरकार जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे, उस समय सेंगोल का इस्तेमाल किए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सत्ता के स्थानांतरण को लेकर नेहरू से जो है वो नेहरू से सवाल पूछा और सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए। इसके बाद नेहरू जी ने क्या किया था कि सी राजगोपालाचारी से राय लिए थे, तो उन्होंने बताया था सिंगोल के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू को जानकारी दी सिंगोल के बारे में किसने, तो सी राजगोपालाचारी ने दिया था। और इसके बाद सिंगोल को कहाँ से मंगवाया गया, तो तमिलनाडु से मंगाया गया, और सत्ता का हस्तांतरण का ये प्रतीक बन गया राजदंड सिंगोल। तो ध्यान रखेंगे कि इसे मंगवाया गया कहाँ से, तो तमिलनाडु से मंगाया गया था। ध्यान रखना है, जब अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरण भारतीयों के पास हो रहा था, तो उस क्रम में जो है ये आपका जो है सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक के रूप में राजदंड सिंगोल बना था। अब नए संसद भवन बन रहे हैं, इसमें राजदंड सिंगोल को फिर से जो है वो दिल्ली मंगवाया जा रहा है, और यह जो है वो संसद भवन में स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, उनके आसन के पास लगाया जाएगा। इसके बारे में जो है जानकारी गृह मंत्री के द्वारा दिया गया, और इसकी स्थापना संसद भवन में जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा, और इसे देखा जा रहा है कि पवित्र, और इसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि इसके लिए सबसे उपयुक्त और पवित्र स्थान जो है वो संसद भवन के अलावा कहीं नहीं होगा, और इसलिए इसे जो है संसद भवन देश का समर्पण होगा, और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी इसे वहां स्थापित करेंगे। और अभी जो है यह सिंगोल जो है वो संग्रहालय में रखा गया है, इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया है, और इसे अब जो है वो लोकसभा में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठ रहा है कि इसका इतिहास किस वंश से रहा। जब आप देख रहे हैं कि राजदंड सिंगोल को तमिलनाडु से लाया जा रहा है, तो इसका इतिहास जो है वो दक्षिण भारत के साम्राज्य से ही रहा होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका इतिहास जो है वो चोल साम्राज्य से रहा है, चोल साम्राज्य से इसका इतिहास रहा है। ध्यान रखेंगे इतिहासकारों की माने तो चोल साम्राज्य में राजदंड सिंगोल का इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया जाता था। ध्यान रखना है, उस दौर में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो मौजूद राजा दूसरे राजा को सिंगोल सौंपता था, और इस परंपरा की शुरुआत चोल साम्राज्य से हुई थी। तो दक्षिण भारत के राज्यों में इसको खास महत्व दिया जाता था। अगर हम बात करें सिंगोल का, तो तमिल में इसे सिंगोल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न, संपदा से संपन्न। सिंगोल संस्कृत शब्द शंकु से बना है, ध्यान रखेंगे ये संस्कृत शब्द शंकु से बना है सिंगोल, और इसी से जो है वो बना क्या सिंगोल, तो ध्यान रखेंगे किससे बना है, तो शंकु से बना है। और शंकु कैसा शब्द है, संस्कृत है, और इसका अर्थ क्या होगा शंकु का, तो ध्यान रखेंगे इसका अर्थ जो है वो शंख होगा। जो आप देखते हैं कि पूजा के समय जो है वो शंख बजाया जाता है, तो उसी शंख से संबंधित ये शब्द है, ध्यान रखेंगे सिंगोल। तो काफ़ी पवित्र चीज़ है ये। तो इस तरह से सनातन धर्म में आपको पता है कि शंख का बहुत ही
शंख को बहुत पवित्र माना जाता है, मंदिरों और घरों में आरती के दौरान शंख बजाया जाता है। तो इस तरह से जो है वो सनातन धर्म में इसे काफ़ी पवित्र माना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, राजदंड सेंगोल का संबंध किस वंश से है? तो चोल वंश से है। ये सारा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी चर्चा का अभी विषय बना हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज आपके लिए कुल 8 ही क्वेश्चन थे, लेकिन कल के एक बार क्वेश्चन जो है वो जो कोई भी क्वेश्चन है उसे हम एक बार रिकॉल करते हैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाया गया, तो हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 22 मई को, जिसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली किस देश की पहली महिला बन गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की घोषणा किया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम? तो विराट कोहली के नाम, जो कि कुल 7 शतक लगा चुके हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जा रही है, तो ध्यान रखना है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक जो है वो श्रीनगर में आयोजित हो रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मरापे, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, A+B, फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया? तो जनगणना भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर शरत बाबू का निधन हो गया, तो शरत बाबू जो है वो ध्यान रखेंगे तमिल और तेलुगु दोनों से संबंधित थे, A+B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा TCS के साथ, यानी कि B नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसे के साथ सौदा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा Adidas, D नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जागरूकता है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश, वही दूसरा पर ओडिशा और तीसरा पर आंध्र प्रदेश और बिहार है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जागरूकता है, तो सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार गंजम ओडिशा को दिया गया, दूसरा पर आपका नमक्कलम तमिलनाडु और तीसरा पर आदिलाबाद तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि हाल ही में जल संरक्षण के लेकर जो है वो सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार ध्यान रखेंगे जगन्नाथपुरम तेलंगाना को दिया गया, दूसरा पर कदावर तमिलनाडु और दूसरा पर ही मणिकल केरल है, जबकि तीसरा पर कड़ेगांव महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जागरूकता हेतु सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार किसे ने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम में ध्यान रखेंगे 1 नंबर पर चंडीगढ़, दूसरा पर इंदौर है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कल के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे ध्यान से फॉलो करते रहें और समय से क्लास को फॉलो करें, आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर जाएगा अगर आप करेंट को डेली समय से फॉलो करते हैं और ध्यान से फॉलो करते हैं। जितने पीछे वीकली करेंट है उसे रिकॉल करते रहे, काफ़ी बेहतर होगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।